हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अगर हम बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो जो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है ये हमारा डेसिमल अर्थमेटिक ऑपरेशन की तरह ही होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि डेसिमल में जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे कि एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और लास्ट वन फोर्थ होता हमारा डिवीज़न। तो जैसे कि हम एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, डिवीज़न की बात करें, तो ये ऑपरेशन जिस तरीके से हमारे डेसिमल में होते हैं उसी तरीके से हमारे बाइनरी में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन। बाइनरी एडिशन देखने से पहले हम एक बार जो हमारा डेसिमल एडिशन होता है उसको देखेंगे। तो जैसे कि हम बात करें, जैसे मान के चलिए 173.38 ऐसा कुछ दे के रखा है, इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम 8 प्लस 3 करेंगे तो 8 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। जैसे हम 3 प्लस 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11। तो जिसमें जो 1 होता है हमारा यहाँ पे रहेगा और ये जो आगे वाला 1 होगा वो कहाँ जाएगा, हमारा कैरी में जाएगा। इसी तरीके से हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 मतलब ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 11। तो 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ जाएगा और इस तरीके से हमारा आएगा 2। तो यहाँ पे जो आता है ये होता है हमारा इसका, इसको हम इसका सम कहते हैं, जबकि ये जो ऊपर साइड जाता है इसे हम कहते हैं कैरी। तो इसी तरीके से अगर हम बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में भी हमारे पास दो रिज़ल्ट आएंगे, एक आएगा सम और दूसरा कैरी आएगा। तो जैसे अगर हम बाइनरी की बात करें तो हम इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनपुट होंगे और आउटपुट। जैसे हम इनपुट की बात करें तो जब हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एडिशन के लिए हमें मिनिमम कम से कम दो इनपुट्स की ज़रूरत होती है। तो हमने माना कि हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, तो आउटपुट यहाँ पे आउटपुट बराबर हमारा ए प्लस बी आएगा। तो जब हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसके दो रिज़ल्ट आते हैं, एक तो हमारा आएगा सम और दूसरा आएगा हमारा कैरी। तो यहाँ पे अगर हम बाइनरी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 0 और 1 होता है, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ए की जगह 0 और बी की जगह 0 रख सकते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 प्लस 0 हमारा रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0। और 0 प्लस 0 करने पे हमें कुछ भी कैरी जनरेट नहीं हुआ तो सम हमारा कितना आया, 0, और कैरी भी कितना आएगा, 0। इसी तरीके से आगे बढ़े, ए की जगह 0 रख दे, बी की जगह 1 रख दे, तो 0 प्लस 1 हमारा कितना होगा, 0 प्लस 1 होगा हमारा 1, इसका सम आएगा हमारा 1 और कैरी यहाँ पे कुछ भी जनरेट नहीं हुआ तो हमारा 1 आएगा, कैरी हमारा 0 रहेगा। ऐसे ही 1 प्लस 0 करेंगे तो सेम टू सेम हमारा सम 1 आएगा और कैरी हमारा 0 आएगा। और जब हम 1 प्लस 1 करेंगे तो जब 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 अगर हम डेसिमल की बात करें तो 1 प्लस 1 हमारे कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर भी 2 होगा पर बाइनरी में हम 2 की बात करें तो 2 को हम लिखते हैं 10। मतलब बाइनरी में जब हम 1 प्लस 1 करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 10। तो जहाँ पे ये जो 0 होगा ये हमारा सम होगा, सम के लिए आएगा, और ये जो 1 होगा ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, इसका मतलब सम हमारा 0 आएगा और कैरी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक एग्ज़ाम्पल लिया हम लोगों ने 1 0 1 1 1 1 1 0 1 और 1, एक एक 1 और ले लेते हैं। हमें सिंपल क्या करना है, इसका एडिशन करना है। तो जैसे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 होगा हमारा 10, 1 प्लस 1 होगा हमारा 10। तो 0 हमारा यहाँ पे आएगा और 1 हमारा यहाँ कैरी जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1। जब हम क्या करते हैं, 3 टाइम
वन प्लस वन प्लस वन करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है डबल वन। जैसे कि अगर हम वन प्लस वन प्लस वन करेंगे थ्री टाइम्स करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा थ्री आएगा, और थ्री को बाइनरी में हम डबल वन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, वन यहाँ जाएगा और वन यहाँ जाएगा। वन प्लस वन सिंपल हमारा कितना हो जाएगा, वन जीरो, वन प्लस वन मतलब टू, तो यहाँ पे आएगा जीरो और यहाँ पे आएगा वन। फिर वन प्लस वन करेंगे तो हमारा आएगा वन जीरो, तो जीरो हमारे यहाँ आएगा और वन हमारा कैरी जाएगा। ट्रिपल वन की बात करेंगे तो ट्रिपल वन मीन्स हमारा डबल वन होता है, तो वन यहाँ आएगा और वन यहाँ जाएगा। इस तरीके से जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, डबल वन। तो ये इसका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। तो हम कुछ इस तरीके से एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी में सब्ट्रैक्शन देखने से पहले एक बार हम लोग डेसिमल का सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास देखे रखा है 2 0 2 3 2 और 1, कुछ इस तरीके से नंबर दे के रखा है, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि अगर हम बात करें 2 माइनस 1, तो हमें पता है कि 2 में से 1 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 2 हमारा स्मॉलर है और 3 हमारा बिगर नंबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बोरो लेंगे। बोरो कहाँ से लेंगे, आगे वाले से लेंगे। तो ये 1 बोरो आए तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 2, मतलब 12। अब हम क्या करेंगे, 12 में से 3 माइनस करेंगे, तो जब 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 9। अब इसने क्या किया, इसको 1 दे दिया, पर इसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो इसने भी कहीं ना कहीं से कुछ लिया होगा उधार। तो इसने कहाँ से उधार लिया था, इसने यहाँ से बोरो किया था। अब यहाँ पर कितना हो गया, 1 0, 1 0 मीन्स होता हमारा 10। तो 10 में से इसने क्या किया था, 1 इसको बोरो दे दिया था, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा 9। तो जब 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 7। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 2 है, जिसमें से इसने क्या किया था, 1 इसको उधार दे दिया, बोरो दे दिया। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 0। मतलब जब 202 में से 123 हटा माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 79 आएगा। तो ये जो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम बाइनरी में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। जैसे हम इसकी बात करें, जब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 2 रिजल्ट आते हैं। जैसे नीचे जो आया था वो होता हमारा डिफरेंस, और दूसरे की बात करें तो ये होता हमारा बोरो, जो हम उधार लेते हैं। तो जब 0 में से 0 माइनस करें, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0। डिफरेंस इनका आएगा 0, और 0 में से 0 माइनस करने के लिए हमें कुछ उधार लेना पड़ा क्या, नहीं। तो रिजल्ट कितना आएगा, ये भी आएगा हमारा 0। अब हम इस वाली कंडीशन को छोड़ के इसकी बात करते हैं। तो जैसे हम 1 माइनस 0 करें, तो 1 हमारा बड़ा है और 0 हमारा छोटा है, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। 1 में से 0 माइनस करने के लिए कुछ उधार लेना पड़ा, नहीं। तो इसलिए हमारा जो डिफरेंस आएगा ये 1 आएगा, और बोरो हमारा कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 1 माइनस 1 करें, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। और इसमें से इसको माइनस करने के लिए भी हमें कुछ भी उधार बोरो लेना नहीं पड़ा, तो इसलिए हमारे डिफरेंस भी 0 आएगा और बोरो भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, जो हमने छोड़ दी थी कि 0 माइनस 1 अगर करें, तो 0 में से 1 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 0 हमारा छोटा है, 1 हमारा बड़ा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। अभी कहीं से भी उधार ले, तो जब इसने बोरो किया, उधार लिया, तो ये कितना हो गया, 1 0। 1 0 मीन्स बाइनरी में होता है 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1। तो ये जो 1 है ये है हमारा डिफरेंस, और ये जो 1 है ये क्या है, हमारा बोरो, जो कि उधार लिया हमने। तो जब 0 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस 1 आएगा और बोरो भी हमारा 1 आएगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है, तो इसके लिए भी हमें मिनिमम 2 इनपुट्स की ज़रूरत होती है। 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर मिनिमम जो हमें वेरिएबल्स लगेंगे, इनपुट लगेंगे, वो 2 लगेंगे, और 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर इनके जो आउटपुट होंगे वो हमेशा कितने होंगे, 2। एक तो डिफरेंस और हमारा दूसरा बोरो होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो हमें कुछ ये क्वेश्चन देके रखा जिसे माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 1 हमारा होगा 0,
वन माइनस ज़ीरो, वन बड़ा है ज़ीरो छोटा है, तो वन माइनस से ज़ीरो होगा तो हमारा कितना बचेगा, वन आएगा। अब यहाँ की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आगे से एक उधार लेगा, तो ये कितना हो गया, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो मीन्स टू, टू में से वन माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब यहाँ की बात करें तो इसने इसको एक दे दिया था, तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा ज़ीरो, तो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो, और वन में से वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो। तो ये इसका हमारा रिज़ल्ट होगा। ऐसे ही मान के चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने लिया वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन 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 और ज़ीरो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम लिए हम लोगों ने। तो जैसे अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो वन में से वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो, वन में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वन। आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो में से वन माइनस कर रहे हैं, तो छोटे में से हम बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो ये होगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन बोरो लेना पड़ेगा। तो इसने आगे से एक बोरो लिया, तो ये कितना हो गया, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो मीन्स टू, टू में से वन माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, वन आएगा। इसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ पहले से ही ज़ीरो था और इसने क्या कर दिया, इसको एक उधार दिया, इसका मतलब इसने भी कहीं से उधार लिया होगा, तो इसने कहाँ से लिया, इसने यहाँ से लिया, तो इसने उधार लिया तो वन ज़ीरो हो गया, और वन ज़ीरो मीन्स टू, टू में से इसने क्या किया, वन इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा वन, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे पहले वन था जिसमें कि वन इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, ज़ीरो। अब ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो में से वन माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये एक इससे उधार लेगा, तो ये कितना हो गया, वन ज़ीरो मीन्स टू, टू में से वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, वन। तो जैसे कि इसने यहाँ पे इसको एक दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, ज़ीरो। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है ये बाइनरी अर्थमेटिक का सबसे ईजी ऑपरेशन होता है। जैसे कि हम अगर हम बात करें, दो इनपुट है हमारे पास, हम इसमें क्या करेंगे, ज़ीरो में ज़ीरो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ज़ीरो में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो में हम क्या कर सकते हैं, वन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई वन कितना होगा, ज़ीरो। हमें पता है कि ज़ीरो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो ही आता है। इसी तरीके से अगर हम वन मल्टीप्लाई ज़ीरो करें तो वन मल्टीप्लाई ज़ीरो कितना होगा, ज़ीरो, और वन मल्टीप्लाई वन कितना होगा, ये होगा हमारा वन। मतलब जब हमारे सारे इनपुट हाई होंगे, सारे वन होंगे, तो उसी कंडीशन में हमें वन मिलेगा। बीच में अगर कहीं पे भी एक भी ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसका सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के देखिए रखा है वन वन ज़ीरो वन, इसमें हमें वन ज़ीरो वन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इससे पहले अगर हम डेसिमल को देखें, तो जैसे मान के चलिए हमें 123 मल्टीप्लाई 23 ऑपरेशन ये करना है, ठीक है। इसको देखिए तो क्या होगा, 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इनका एडिशन करते हैं, तो ये हमारा 9 का 9 होगा, 6 प्लस 6 हमारा कितना हो जाएगा, 12, तो 2 यहाँ आएगा, 1 हमारे यहाँ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4 4 8 और ये हमारा 2। तो जिस तरीके से हम लोग डेसिमल का एडिशन करते हैं, सेम टू सेम हम क्या करेंगे, बाइनरी में भी कुछ इसी तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया तो हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 फिर यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगाएंगे 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 फिर इसके बाद हम लोग 2 क्रॉस लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सब का एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल देखें तो 1 का हमारा 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 हमारा 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 हमारा क्या होता है, 2 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 से लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा और 1 कहाँ जाएगा, कैरी जाएगा, 1 प्लस 1 0 और
वन, वन प्लस वन ज़ीरो और वन, फिर वन प्लस वन ज़ीरो और वन, तो ये इसका हमारा रिजल्ट होगा। तो जैसे कि हम डिवीज़न की बात करें, तो डिवीज़न ऑपरेशन की बात करें तो इससे पहले हम लोग डेसिमल वाला ही देखेंगे। तो क्या होगा, जैसे मान के चले एक एग्जांपल है, हम 4506 ऐसा कुछ एक क्वेश्चन दे के रखा है, इसमें हमें 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवीज़न कैसे करते थे, सिंपल हम देखते थे यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर होना चाहिए, तो ये कितने टाइम जाएगा, वन टाइम, थ्री वन ज़ा थ्री, फिर हम क्या करते हैं इसको आपस में माइनस करते हैं, फोर माइनस वन हमारा कितना आएगा, वन, फिर यहाँ से क्या होगा हमारा, फाइव नीचे आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितनी बार आएगा, थ्री फाइव, ये आ जाएगा हमारा फाइव टाइम, मतलब फाइव में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, फिफ्टीन, तो ये आ गया हमारा फिफ्टीन, ये दोनों क्या हो गया हमारे कैंसिल, यहाँ से हमारा क्या आया, ज़ीरो। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ज़ीरो। अब ज़ीरो क्या हमारा थ्री से छोटा है, तो जब छोटा नंबर आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इसमें ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो हमारा कितना होगा, ज़ीरो, तो यहाँ से हमारा ज़ीरो आएगा, फिर हमारा क्या नेक्स्ट उतरेगा, ये आएगा हमारा सिक्स। अब हम देखेंगे थ्री के टेबल में सिक्स आता है क्या, कितने टाइम्स आता है, ये आता है हमारा टू टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा सिंपल सिक्स, और मतलब इसको ज़ीरो भी इसमें लिख सकते हैं, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो। तो यहाँ पे जो ये हमारा बचता है, ये हमारा रिमाइंडर रहता है, और ये इसका हमारा रिजल्ट है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया, सेम टू सेम हम बाइनरी में भी करेंगे। यहाँ की बात करें तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो में डिवाइड करेंगे किसका, ज़ीरो का, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो हमारा आता है ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो डिवाइडेड बाय वन, किसी भी अगर हम ज़ीरो में किसी भी चीज़ का डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा ज़ीरो ही आता है। इसके बाद हम करेंगे वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो, जैसे कि हमें पता है कि किसी चीज़ में अगर हम ज़ीरो का डिवाइड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे इसका कोई भी रिज़ल्ट हमारा नहीं आएगा, वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो नहीं होगा, इसके लिए नो रिज़ल्ट रहेगा। फिर हम करेंगे वन डिवाइडेड बाय वन, वन डिवाइडेड बाय वन क्या होगा हमारा, वन होगा। तो ये जो कंडीशन है हमारी इनवैलिड कंडीशन है, वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो। तो ये सिंपल हमने डेसिमल वाला देखा था, अब हम बाइनरी वाला देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन देके रखा है, इसको हमें इसे करना है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ की बात करें तो सिंपल हमने देखा यहाँ, तो यहाँ पे हमारा 10 देके रखा है शुरू की। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास दो बिट देके रखी है, तो ये 11 मतलब होता है हमारा 3 होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दो बिट अगर ले तो 10 होगा, 10 मतलब 2 होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी जगह 3 बिट लेंगे, 100 मतलब होता है हमारा 4, ये 4 ये 3 मतलब कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 1 टाइम, 1 और 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे, 0 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 1, और फिर यहाँ पे हमारा जाहिर सी बात है इसने बोरो लिया था 1, तो इसने किससे लिया था, इससे लिया था। अब इसने भी कहीं से बोरो लिया होगा, इसने इससे लिया, तो ये कितना हो गया 2, 2 में से इसने क्या किया, इसको 1 दे दिया, तो इसके पास कितना बचा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0, इसको हम काट सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट बिट इसको उतारेंगे, इसको एक तरीके से क्रॉस ही मान के चलिए, भी हो गया, ठीक है, ये हमने 1 उतारा। इसके बाद हम देखें 1 1 1 1 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 1, फिर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा क्या उतरेगा 0। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे क्या हमारा 11, तो हमें पता है कि ये जो नंबर है इससे बड़ा है, तो अगर बड़ा होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब 0 का मल्टीप्लाई 1 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, और इसको जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0, फिर ऊपर से हमारा क्या आएगा, ऊपर से आएगा हमारा 1। अभी यहाँ की बात करें तो हमारा क्या है 0 1 0 1 मतलब होता है 1, ये 1 है और ये हमारा क्या है 3। अभी भी ये नंबर हमारा इससे क्या है, बड़ा है, तो बड़ा नंबर है इसलिए हम फिर से किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0 का, तो जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 0 0, फिर हम क्या करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 1 माइनस 0 हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 0 0, इसको काट सकते हैं। इसके बाद हमारा ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा हमारा 1, फिर से देखिए 1 1 1 1 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो 1 1 आ जाएगा, फिर से ये क्या हुआ, ये दोनों आपस में
कैंसिल आउट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा वन। फिर से हमने देखा कि जो वन है ये इससे क्या है, छोटा है, तो जब छोटा आता है तो हम क्या किसका मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ज़ीरो, तो वन माइनस ज़ीरो कितना आएगा वन। और फिर यहाँ से हमारा क्या उतरेगा, यहाँ से आएगा हमारा वन, तो कितने टाइम्स से आएगा, ये जाएगा हमारा वन टाइम्स, तो ये होगा हमारा वन वन, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।